सामुदायिक शौचालय के रख रखाव का वर्षों से वेतन न आने उपयोग में ग्रामीणों को हो रही परेशानी। काशी विकास खंड की ग्राम पंचायत रुदायन में सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय लाखों रुपए की लागत से बनाए गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने नगर पंचायत में विकास की तर्ज पर ग्राम पंचायत का सौंदर्यकरण व विकास हो उसी क्रम में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया और महिलाओं को रोजगार के उद्देश्य से समूह संगठनों को बनाया, जिसमें समूहों को राशन विक्रेता, सामुदायिक शौचालय का केयर टेकर बनाया गया, जिसमें सफाई कर्मी के 6000 रुपए, 3000 रख रखाव के सामान, टूट फूट के बिजली का बिल भी शामिल है, जिसको ग्राम पंचायत के खाते से मुहैया ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान के द्वारा भेजा जाता है। टेकर ने बताया कि मेरा वेतन तो समूह द्वारा 6000 रुपए आता जाता है, पर रख रखाव रुपया न आने से सामुदायिक शौचालय की हालत खराब है, इसलिए ग्रामीणों को शौच जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया। सासनी विकासखंड की जो ग्राम पंचायत रुदायन में जो सामुदायिक शौचालय बना है उसमें सारी सीट टूटी हुई है, आपकी टोंटी नहीं है, उसकी वजह क्या क्या, मेंटेनेंस का पैसा जाता ही नहीं वर्षों से, ये बताया गया लोगों द्वारा। सर, रुदायन का प्रकरण अभी हमारे सामने, जैसे आज आप बता रहे हो, हमने पहले भी सचिव से रिपोर्ट ली तो कोई इस तरह का प्रकरण नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उसमें अगर टूट गया है तो हम उसको जो है सचिव को नोटिस जारी करेंगे और उसको एक दो दिन में सही करेंगे। क्या मेंटेनेंस का पैसा नहीं आता? अब ये जानकारी भी सचिव से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कब से उसने मेंटेनेंस का पैसा नहीं डाला है। जो सफाई कर्मी मिली है, जो सफाई तो होती है, लेकिन जो मेंटेनेंस का पैसा, वहाँ दिक्कत पैदा हो रही है, उसकी वजह क्या है? अगर सचिव ने के द्वारा मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया गया है, कब से नहीं दिया गया है, तो ये दिखवा करके फिर उसको जारी करा। सासनी विकास खंड के ग्राम पंचायत रुदायन में जो सामुदायिक शौचालय बना है उसमें जो केयर टेकर हैं, एक समूह द्वारा केयर टेकर हैं, और उनसे जानते हैं जो परेशानी है, जो समूह इस शौचालय में किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या समस्या है, केयर टेकर हैं आप, क्या नाम? कोमल चौहान। सर, ऐसा है इसमें सारे टूटे हुए हैं इसमें, और पोछा टूट गया है, 1.5 साल हो गई, झाड़ू भी टूट गई और बाइफल भी टूट गया, और लैट्रिन पूरी तीनों सीट टूटी हुई है, जेंट्स वाली एक, इंग्लिश वाली टूटी हुई है, और सारी पानी हाथ धोने वाली टोटली टूटी पड़ी है। सर, हमें क्या मालूम, हमें तो तनख्वाह दे देती है निकाल के माधवी जी, और 6000 रुपये दे देती है, हाथ में कहती है हम क्या करें, हमारे हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा, हम कहाँ से संभरवाएं, प्रधान जी से बोलो। नहीं, हमें नहीं मिलता सर। मैं पार्वती स्वयं सहायता समूह से कोषाध्यक्ष हूँ, जो कि हमारे समूह पर यह जिम्मेदारी दी गई थी। मार्च 2022 तक का हमें मेंटेनेंस का पैसा मिला था, जिसमें हमने सारा कार्य कराया, उसके बाद 18 महीने तक अभी तक हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान जी के ऊपर भी डाल दिया कि हम कराएंगे, तो प्रधान जी ने इसका कोई भी ना आज तक कोई सामान दिया, ना कोई झाड़ू, ना वाइपर, ना पोंछा, ना ही तेजाब आदि कोई सामान नहीं दिया है। इसके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे समूह में केवल तनख्वाह आती है, जो कि हम इस तनख्वाह को निकाल करके केयर टेकर को दे देते हैं। ये सामुदायिक शौचालय में जो परेशानी आ रही है, पता, इनका कहना ये है कि ये जो मेंटेनेंस का पैसा है वो इनको नहीं मिला है करीब 1.5 साल से। मेरे साथ थे गांव निवासी जो बता रहे थे, और केयर टेकर बता रहे हैं कि मेंटेनेंस का पैसा न होने के कारण यहाँ की सीट टूटी हुई है, टोंटी टूटी हुई है। देखते हैं प्रशासन कब इसकी सुध लेता है। हाथ से देवगढ़ TV 13 न्यूज़।